आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फ्रोजन डिजर्ट, जो बनाना बहुत आसान है। तो चले शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने आधा लीटर दूध ले लिया है। दूध हमारा फुल क्रीम है। ये 4 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। 1 कटोरी हमने शक्कर ले लिया है और ये आधा कप ठंडा दूध ले लिया है। सबसे पहले हम कस्टर्ड पाउडर को इस ठंडे दूध में मिला देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कस्टर्ड बनाइए तो कस्टर्ड पाउडर मिलाने के लिए ठंडा दूध का ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। अब ये जो दूध है इसमें हम शक्कर डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब इसको हम गैस पर रख दिए हैं। अब इसको चलाते हुए हमें उबालना है। तो दूध में हमारे उबाल आने लगी है। अब ये जो कस्टर्ड है इसको हम एक बार चला लेंगे ताकि ये नीचे जमा हुआ हो तो अच्छे से मिल जाए। अब हम कस्टर्ड ले करके इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाएंगे, और इसको हमें बराबर चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा। इसको हमें थोड़ा सा थिक बनाना है, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर डाल दिए हैं, क्योंकि नॉर्मल तो हम थोड़ा सा पतला बनाते हैं। तो ये देखिए, हमारे कस्टर्ड में उबाल आने लगी है। अब इसको हम धीमी गैस पर 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए, ये कस्टर्ड हमारा पक गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक इस तरह से कांच का बाउल ले लेंगे। कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको हमें ऊपर से ढक देना है। तो ये हमने लिया है सेलोफिन पेपर। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कपड़े से अच्छे से ढक दीजिएगा ताकि इसमें हवा ना जाने पाए, क्योंकि अगर हवा जाएगा तो ऊपर से मलाई पड़ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको हम इस तरह से लपेट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये हमने लिया है ट्रीट ओरियो बिस्किट। आप ओरियो बिस्किट भी इस जगह पर ले सकते हैं, हमको नहीं मिला इसलिए हम ये 5 पैकेट बिस्किट लिए हैं। अब हम एक बाउल ले लेंगे और सारे बिस्किट को इसमें हम खोल करके डाल लेंगे। ये भी बिस्किट काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये हमने 4 पैकेट बिस्किट खोल के डाल लिया और 1 पैकेट बिस्किट हमने बचा लिया है। अब हम इस तरह से 2 बाउल ले लेंगे और इसका ये जो क्रीम है इसको निकाल करके हम अलग कर लेंगे इस तरह से। अब सारे बिस्किट का क्रीम हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये बनाना बहुत आसान है, इसको आप बहुत आराम से बना सकती हैं और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए, हमने क्रीम अलग कर लिया और बिस्किट अलग कर लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम इसको तोड़ करके डाल देंगे। तो ये हमने सारे बिस्किट तोड़ करके डाल दिया है। अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने बिस्किट को पीस लिया है। अब एक बाउल ले लेंगे और बिस्किट को इसमें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें बिस्किट को पीसना है। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच पिघला हुआ बटर और अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिला दिया। अब ये जो हमारा कस्टर्ड है ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम खोल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, कितने अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम ये जो बिस्किट पीस करके रखे हुए हैं, अब इसको हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। हमने कस्टर्ड को इसीलिए थिक बनाया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा सा हमने बचा लिया है। अब इसको हमें हल्के हाथों से
चारों तरफ से सेट करना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हाथों से ही इसे सेट करना है। तो ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी व्हिप्ड क्रीम, जिससे हम केक बनाते हैं, ये वही वाला क्रीम है। अब इसको हम अच्छे से व्हीट करेंगे, जिस तरह से हम केक के लिए क्रीम व्हीट करते हैं उसी तरह से हमें इसे व्हीट करना है अच्छे से। तो ये क्रीम हमारी बीट हो गई है। अब इसमें हम ये जो क्रीम बिस्किट का निकाल करके रखा हुआ है इसको इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने बिस्किट बचा के रखा हुआ था इसमें से हम 3 बिस्किट तोड़ करके इसमें डाल देंगे। अब हम फिर से इसको बीट कर लेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेंगे। बिस्किट को थोड़ा सा महीन तोड़ करके डालिएगा, हमने थोड़ा सा मोटा कर दिया है क्योंकि मेरे हाथ से वो छूट गया था। तो ये देखिए हमने अच्छे से क्रीम को मिला लिया है। अब ये हमने जो बिस्किट रखा हुआ था सेट होने के लिए, अब इसके ऊपर से ये क्रीम हम लगा देंगे। हम इस तरह से इसको सेट कर देंगे। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं, हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। हम जब भी बनाते हैं 2 मिनट में पूरी तरह से बाउल साफ हो जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये क्रीम हमने लगा दिया। अब ये जो हमने बिस्किट बचा करके रखा हुआ था थोड़ा सा, अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे। ये देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसे ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे। ये हमने अच्छे से डाल दिया, इस पर सेट कर दिया है। अब हम ले लेंगे ये 2 बिस्किट और इसको खोल करके इसमें चारों तरफ से लगा देंगे। तो ये लीजिए हमारा फ्यूजन डिज़र्ट बनकर के तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। गुड डे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।